हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है ICAO। सो उसी के बारे में आज हम ICAO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो ECOSOC के अंडर की गई थी, यानी कि इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ECOSOC, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1947 में। हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके सेक्रेटरी जनरल है जुएन कार्लोस सालाजार। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है 193। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत हुई थी 1944 में, जिसमें इसके 54 मेंबर शामिल थे। उस समय में इसका नाम था प्रोविजनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन शिकागो के कन्वेंशन में इसका नाम रखा गया था ICAO, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सो उससे पहले इसका नाम था प्रोविजनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जान लेते हैं ICAO के बारे में। रेगुलेशंस ऑफ एविएशन सेफ्टी, सिक्योर, एफिशिएंट एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। सो ICAO को बनाया गया था ताकि वो रेगुलेट कर सके जो भी हवाई यात्रा होती है उसमें सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, सिक्योरिटी के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। एंश्योर फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑपरेट इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो भी इंटरनेशनल की एयरलाइंस हैं उसको सही ढंग के साथ चलाना। प्रमोट द फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट्स की सेफ्टी को प्रमोट करना। मिनिमाइज एक्सपेंसेस एंड पेनल्टीज, जो भी उसकी पेनल्टीज होती है, जो भी उनके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कम करना। नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो दो तरह के ये फंक्शन होते हैं, डिफाइन द प्रोटोकॉल्स ऑफ एयर एक्सीडेंट नेविगेशन एंड सेकेंड वन इज द सरप्राइज स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सो ICAO का काम क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल और रूल्स को फॉलो करें, अगर कोई भी एयर एक्सीडेंट होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन करें अंडर द प्रोटोकॉल्स। सो इसी के साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन का काम होता है सुपरवाइज करना। सो इसी के साथ बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो इसका पहला जो उद्देश्य है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, वो है इनकरेज द आर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइंस एंड ऑपरेशन फॉर द पीसफुल पर्सन। सो जो भी एयरक्राफ्ट के डिजाइन होते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं, उनको पीसफुली तरीके के साथ उसको बढ़ा सके, उनको इनकरेज कर सके। सेकेंड पॉइंट है, ये इनकरेज कर सके और डेवलप कर सके एयरवेज को, एयरपोर्ट्स को, एयर नेविगेशन को। सो उसकी जो भी फैसिलिटीज होती हैं उनको ये क्या कर सके, प्रमोट कर सके, इनकरेज कर सके, उसको बढ़ा सके। सो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, अवॉइड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड साइड। जिन लोगों ने, जिन कंट्रीज ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उनके साथ कोई भी ऐसा इशू क्रिएट ना हो, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमोट द सेफ्टी ऑफ द फ्लाइट इन इंटरनेशनल एयर नेविगेशन। सो जो भी इंटरनेशनली हवाई नेविगेशन में उड़ान की सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है, जो भी उड़ान भरी जाती है वो सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच सके, तो उसके लिए भी ये जिम्मेदारी होती है। सो ये थे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस जो कि से ICAO के बारे में, जिसे बनाया गया था इसीलिए ताकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन को बढ़ाया जा सके, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी था और उस तब बनाई गई थी ICAO, ताकि जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो हवाई यात्रा में जो प्रॉब्लम आती है उस सब के लिए ये जिम्मेदारी को ले सके। सो उसके लिए ज़रूरी था एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना, तो बनाई गई थी ICAO। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।